अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग्स। जदीद हवाबाजी की जंग में JF-17 थंडर ने एक ऐसे लड़ाका तैयारा के तौर पर ख़ुद को मनवाया है जो मल्टी रोल, कम कीमत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चंगटू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के इश्तराक से तैयार करदा ये तैयारा आलमी दिफाई मैदान में एक अहम कुव्वत बन चुका है। इब्तदा से ही JF-17 को एक मल्टी रोल लड़ाका तैयारा के तौर पर डिज़ाइन किया गया था जो फिजाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बना सकता है। JF-17 का ताज़ा तरीन मॉडल Block 3 जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि AESA रेडार, जदीद एवियोनिक्स और एक मजबूत असलहा प्लेटफॉर्म को मुतारिफ़ करवा कर अहम तरक्की का मुजाहिरा करता है। ये स्मार्ट बर्ड KLJ-7A जैसे AES रेडार, PL-15 जैसे BVR मिसाइल, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, एयर रिफ्यूलिंग, Mach 1.8 की रफ्तार और बेहतरीन मेनोवरिंग की सलाहियत से लैस है। JF-17 थंडर में हथियारों और ईंधन के बैरूनी टैंकों के लिए कुल 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जिनमें 4 अंडर विंग्स, 2 अंडर फ्यूजलैग और 1 सेंटर लाइन शामिल हैं। ये तरतीब JF-17 को मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जाने की इजाज़त देती है जिनमें एयर टू एयर, फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले गोला बारूद और प्रिसीजन गाइडेड बम शामिल हैं जो फिजाई मार्कों और ज़मीनी अहदाफ के लिए इसे एक बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल जदीद मल्टी रोल फाइटर बनाते हैं। इसकी जंगी रेंज 1200 किलोमीटर है और ये इलाकाई दिफा के लिए मौजू है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी JF-17 Block 3 को एक 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे के तौर पर पेश करते हैं। इसमें रेडार से बचने की अजाफी खूबियां शामिल की गई हैं जिनकी बिना पर माहिरीन इसे 4.5 प्लस दर्जा देते हैं जो इसको खतरात का सामना करने की बेहतरीन सलाहियत फ्राहम करता है। JF-17 की फ़जाई मार्कों की सलाहियत क्या है, अब हम JF-17 Block 3 का दुनिया के सबसे जदीद लड़ाका हथियारों के साथ मवाजना करते हैं। क्या फ़ख्रे पाकिस्तान फिजाई मार्कों की सूरत में इन तैयारों को पछाड़ सकता है? यूरोफाइटर टाइफून MBDA एयर टू एयर BVR मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसके रेडार सिस्टम में कैप्टर AESA रेडार जो तकरीबन 370 किलोमीटर तक फिजाई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार Mach 2, कीमत तकरीबन $100 मिलियन और जंगी रेंज 2900 किलोमीटर है। JF-17 Block 3 PL-17 BVR मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है जो MBDA से 2 गुना है। इसके रेडार सिस्टम में मौजूद KLJ-7A AESA रेडार जो 300 किलोमीटर तक अहदाफ को देखने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार Mach 1.8 और जंगी रेंज 1200 किलोमीटर है। इस जदीद तरीन फाइटर की कीमत सिर्फ $35 मिलियन है। यूरोफाइटर टाइफून के रेडार JF-17 के रेडार से बेहतर हैं लेकिन PL-15 के मिसाइल की ज़्यादा रेंज JF-17 को फिजाई मार्कर में फ़ायदा दे सकती है। कीमत के लिहाज से JF-17 बहुत ज़्यादा इक्तसादी है। JF-17 Block 3 बमुकाबला डिसॉल्ट राफेल MBDA मेटियोर BVR मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसके रेडार सिस्टम में RBE-2AA AESA रेडार जो तकरीबन 250 किलोमीटर तक अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार Mach 1.8, कीमत $95 मिलियन
और जंगी रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 के BVR मिसाइल और रेडार की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, जो राफेल में मौजूद रेडार MBDA मेटियोर से कहीं ज़्यादा है। इसकी रफ्तार मैच 1.8 और जंगी रेंज 1200 किलोमीटर है और इसकी कीमत सिर्फ $35 मिलियन है। राफेल की रेंज और हथियार रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन फिजाई मार्के की सूरत में JF-17 को इसके रडार और मिसाइल की बुनियाद पर वाजिया बढ़तरी हासिल है। कीमत और मेंटेनेंस में भी JF-17 को कई गुना एडवांटेज हासिल हैं। JF-17 ब्लॉक 3 बमुकाबला सखोई SU-35। सखोई SU-35 BVR मिसाइल R-77 से लैस है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है और इसके अर्बिस ई रडार 400 किलोमीटर तक फजाई अहदाफ को देखने की सलाहियत रखते हैं। $85 मिलियन के इस फाइटर की रफ्तार मैच 2.25 जबकि जंगी रेंज 3600 किलोमीटर है। सुखोई SU-35 की रडार रेंज और रफ्तार ज़्यादा है, लेकिन मिसाइल की ज़्यादा रेंज JF-17 कुलराई में बढ़तरी देती है। कीमत के लिहाज से JF-17 एक इक्तसादी और कसीर मकदार में ख़रीदा जाने वाला इंतखाब है। JF-17 ब्लॉक 3 बमुकाबला F-16 फाइटिंग फॉल्कन। F-16 इस सदी का मकबूल लड़ाका त्यारा है। इसमें ANAPG-83SABR AES रडार नसब है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मैच 2 और जंगी रेंज 2280 किलोमीटर है। इसमें फिजाई मार्का के लिए AIM-120 अमराहम BVR मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, जिनकी रेंज 160 किलोमीटर है। F-16 की जंगी रेंज ज़्यादा है, जबकि JF-17 को मिसाइल, रडार, कीमत हर फील्ड में वाजिया बढ़तरी हासिल है। ये तो एक आगाज़ है, JF-17 का सफ़र अभी शुरू हुआ है। मुस्तकबिल में मज़ीद अपग्रेड्स के साथ ये शरारती परिंदा फिजाई जंगों में हमेशा मुनफरद मुकाम पर रहेगा। मुस्तकबिल के मॉडल्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नए BVR मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजमाम प्रोसेस में है। RD-93MA इंजन को बेहतर बनाने पर काम जारी है, जिससे त्यारे की रफ्तार और रेंज में इजाफा होगा। AI सिस्टम का इस्तेमाल JF-17 की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाने जा रहा है। JF-17 ना सिर्फ पाकिस्तान की अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, बल्कि दोस्त ममालिक की फ़िज़ाइया की अपग्रेडेशन में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। ये म्यांमार, नाइजेरिया, आज़रबाईजान की फ़िज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल है। JF-17 की ख़रीदारी में कई अहम ममालिक दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं, जिनमें मलाइशिया, अर्जेंटीना, मिस्र, सूडान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेंट्रल एशियन रियासतें, ख़ास तौर पर कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।